तो छिंदवाड़ा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वोट डाला। वही एक और हाई प्रोफाइल सीट जबलपुर, जहां बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में और दोनों एक दूसरे को कड़ी चुनौती हुई देते जा आ रहे हैं। इस पूरे अपडेट पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाली कोष्टा लाइव जुड़ गए हैं। लाली से जानेंगे क्या कुछ ताजा अपडेट है। देखिए जबलपुर की जहां बात करें तो यहां 6:30 बजे से जब बूथों की संख्या देखी गई तो कम से कम 50-50 लोगों की, महिला पुरुषों की अलग अलग लाइनें लगाई गई हैं। यहां पर सबसे अच्छी बात ये देखने मिली कि 6:30 बजे सवेरे लोगों को जहां लगा था कि हम पहले जाएंगे, हम जल्दी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने नहीं मिला, वहां जबरदस्त भीड़ देखने मिली। ये धूप के असर का है या मतदान के प्रति उत्साह, फायदे में लोकतंत्र की बात है तो वोटर्स काफी एक्साइटेड नजर आ रहा है। और सबसे अच्छी बात ये नजर आई है यहाँ पार्टी, किसी भी पार्टी के जो अलग अलग बूथ लगाए गए हैं वे भी कहीं ना कहीं सबको सपोर्ट कर रहे हैं, अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये मिला है हमको कि यहाँ पर जो युवा मतदाता है वो सबसे पहले पहुंचा है। यहाँ 6:00 बजे से भी कुछ बूथ में देखने मिला है, जैसा कि हमने दिखाया आपको, पहले भी फुटेज भेजे गए हैं जिसमें इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर यूथ जो है, युवा मतदाता है, वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। वो 6:00 बजे से पहुंच गया था। हमारे साथ कुछ यहाँ पर वोटर्स हैं और कुछ यहाँ पे जो मतदाताओं को जागरूक करने वाले हैं वे भी मौजूद हैं। इनसे हमारी बात हुई तो अब तक जैसी बात की जाए तो प्रायः है, मैं उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ, यहाँ के बूथ पे 3 से 4 बूथों पे मैंने जब जाके देखा तब तक यहाँ पे 200 से 250 लोगों की लाइन अमूमन देखी जा रही है। एक बूथ देखा है लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में, जो बूथ है 98 नंबर का कहलाता है विधानसभा क्षेत्र, उसमें बात की जाए लगभग 700 लोग वहां लाइन में लगे हैं। वोटिंग हालांकि बहुत धीरे हो रही, वहां पर मतदान अधिकारियों के प्रति लोगों में गुस्सा भी है कि बहुत दो दो लोगों का अंदर कर रहे थे, इस चक्कर में गुस्सा भी है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, हमारे साथ हैं यहाँ के मतदाता और इनको जागरूक करने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जो बताएंगे किस तरह से चल रहा है। आप बताएंगे किस तरह से अभी चल रहा है यहाँ आक्रोश है, किस तरह से या किस तरह से यहाँ पर मतदान को लेकर कैसा बात? मतदाताओं में बहुत उत्साह है और इस बार जो निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कराया है, वोटर के प्रति लोगों को जागरूक किया, उससे मतदाताओं को बहुत ही सुविधा रूप में वोट डालने मिल रहा है। एक यहाँ पर जो एक बात ये आई है कि वोटर पर्ची के साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उसमें जागरूक नहीं हो पाए मतदाता है, तो उस कारण से कुछ अंतर पड़ सकता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद गर्मी को देखते हुए मतदाता अपने आप घरों से निकलकर, खासकर महिलाएं वर्ग, वो धूप को और गर्मी से बचने के लिए सुबह मतदान करने निकल पड़े हैं। और बहुत अच्छा है, यहाँ बुजुर्गों या सीनियर सिटीजन की बात की जाए तो अभी सुबह से आप यहाँ पर है, कितने बजे से यहाँ मौजूद है? मैं करीब 7:30 बजे से जाने आया हूँ। तो सीनियर सिटीजन वगैरह में कितना है, क्या उत्साह देखने मिला या वो आराम से आएंगे? ऐसा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, धूप को देखते हुए सीनियर सिटीजन वाले तो बहुत जल्दी निकल रहेंगे, और जो नहीं चल पा रहे उनको गाड़ी में ढाल के ला रहे हैं, वो लोग बड़े शौक से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग है ना घर जाके चलो चलो भैया मैं भी चल रहा हूँ, उनमें उत्साह की भावना तो है। देखा जाए आपका क्या कहना है, अभी तक कितने लोग आ गए होंगे अभी जहाँ बूथों में मौजूद है गोविंदगंज में, तो कितना अभी लोगों को उत्साह दिख रहा है? कितनी लाइन है अंदर अभी तक? 1,000 लोग आ गए होंगे हमारे इन 3-4 जो बूथ है, मतलब पहला जो 10 बजे का जो परसेंटेज आएगा उसमें अच्छा खासा होने के बाद। आपका क्या कहना है अभी जैसे महिलाएं पुरुषों के लेकर, किस तरह से अभी लग रहा था कि महिलाएं कम है या पुरुष ज्यादा है, कौन आया, संख्या किनकी ज्यादा? दोनों बराबर चल रही है, महिलाओं में बहुत उत्साह है। एक बात की परेशानी है, परेशानी जो कर रहे हैं, इस बार जो निर्वाचन आयोग ने परिचय पत्र एक डॉक्यूमेंट मांगा है उससे जनता बार बार घर जा रही है और उसमें से कुछ लौट के वापस नहीं आ रहे, उससे वोटिंग परसेंटेज कम हो सकता है। ये पहले से ही था ना डिसाइड के आपको एक मतदाता परिचय पत्र इसलिए बनता है कि वो लेकर आए या आधार कार्ड लेकर आए? जनता में जागरूकता नहीं पहुंच पाई है और मैसेज पूरा बराबर नहीं पहुंच पाया है, खाली हाथ आ रही है सिर्फ पर्ची लेकर। अच्छा, बाकी तो उनको लेकर प्रेरित करने की कोशिश कराएंगे दोबारा? प्रेरित कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ खड़े हैं, प्रेरित कर रहे हैं उनको। और बहुत किस तरह से आपको क्या परेशानी आई? ये परेशानी किसी नहीं पहुंच पाई, तो यहाँ वोटर आईडी के लिए लेकर आ रहे हैं, उसके बाद पर्ची नहीं मिल रही। और हमारे साथ और भी साथी हैं हमारे, जिनसे हम बात करेंगे। पौने 7 बजे से लाइन में लग गया था, उसके बाद भी कैसी देखने में तो अच्छी है।
तो यहाँ युवाओं की क्या स्थिति लग रही है? ज्यादा है हैं, जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनकी ये दांव पर लगी है सीट। इस पर ये देखना होगा कि अभी क्या स्थिति बनती आई, और लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टी लेवल पर यहाँ पे लगाए गए हैं लोग पर्ची, मतदाता पर्ची निकालने के लिए बूथ में बैठे हुए हैं। ये यहाँ पर लोग मिलान करवा रहे हैं, और इस तरह से यहाँ पर भी कुछ काउंटर्स में अलग से भीड़ देखी जा रही है। ये भीड़ हम दिखा सकते हैं आपको कि भीड़ है, ये मतदाता पर्चियों को मिलान और उसको लेकर बात हो रही है, ताकि मतदाता यहाँ पर आसानी से वोटिंग कर सके, इसको लेकर परेशानी ना हो। और ये जैसा कि हम यहाँ पर जिस जगह खड़े हैं, और यहाँ पर ये और भी लोगों से हम बात करते हैं कि हमारे साथ एक बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जुड़े हैं, अभी तक यहाँ बुजुर्गों का परसेंटेज कैसा रहा है वोटिंग? बहुत अच्छा रहा, तो क्या नरेंद्र मोदी की उत्साह है? उत्साह है नरेंद्र मोदी को इसमें। अच्छा, मोदी जी को लेकर है आपका? मोदी जी को। क्या आप मोदी जी के अलावा और राहुल जी ठीक नहीं है क्या? नहीं, वो अपनी जगह पे है, मगर इनका काम अगले ही है उनसे। अच्छा, हाँ मोदी जी का देख रहा है, जैसे आम मतदाता भी मोदी को लेकर यहाँ फैक्टर, मोदी फैक्टर चल रहा है। हम दूसरे एक और सीनियर सिटीजन है हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। अभी आपको वोटिंग को लेकर क्या लग रहा है, कैसा रहेगा यहाँ वोटिंग, पिछले बार की अपेक्षा ज्यादा रहेगी या कम होगी? पिछले बार से ज्यादा वोटिंग रहेगी, और इस समय विवेक तनखा जी का काफी अच्छा प्रभाव समझ में आ रहा है। उनसे क्या प्रभाव है अभी, जैसे यहाँ पे सबने बोला मोदी फैक्टर पे वोटिंग है? मोदी फैक्टर तो ऐसा है कि केंद्र में मोदी पर यहाँ का यानी राकेश सिंह की तुलना में विवेक तनखा का अच्छा मार्क है। जैसा देख रहे हैं कि हम लोकल की बात करें, तो यहाँ लोगों कहना है कि मोदी फैक्टर काम ना करते हुए हमें राकेश सिंह नहीं चाहिए, यहाँ पर विवेक तनखा चाहिए, उसके बाद ही पता चलेगा कौन आ रहा है। लेकिन यहाँ आप वोटिंग के प्रति सुबह देखिए, अभी 7:30 बज रहे हैं, तो 8 बजे के बाद 8:30 से यहाँ स्थितियां जो है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे वोटर्स बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर में जो पर्चा मिलान है वो बड़ी संख्या में बढ़ता है। दिखाते हैं आपको, यह फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं। एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि अभी तक यहाँ जो 9 बजे का 10 बजे के बीच में आ जाएगा, 9 बजे का वोटिंग परसेंटेज, उसमें इस बार ज्यादा जल्दी निकले हैं, और यही फायदा यहाँ पर मिल रहा है कि मतदान अधिकारियों को भी कि यहाँ होने वाली है। अब ये फर्स्ट टाइम वोटर से हमारे साथ आए हैं, आपका नाम क्या, वोट डालने आए हैं? कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, वोटिंग पता चलता है, सोच बढ़ रही है कि नहीं इसकी। लोग जॉब तो होनी चाहिए कि या फिर खाली होनी चाहिए? आप ही पहली बार डाले हैं? लास्ट टाइम डाला था, मतलब विधानसभा में आपने उसकी बात। तो आप क्या सोचते हैं, अभी नई नई गवर्नमेंट बने तो किस तरह से उससे अपेक्षा क्या रखते हैं आप? नई गवर्नमेंट से यही अपेक्षा है कि वो अच्छी जॉब से अच्छा कल्चर को बचाएं, और पर्यावरण को देखते हुए अच्छा डेवलपमेंट करें।
जैसा देखा यूथ भी जो है नया वोटर्स जो है वो भी यही चाहता है कि डेवलपमेंट को लेकर सोच रहा है, कोई पार्टी को लेकर सोच रहा है, लेकिन यहाँ कंटिन्यू बनी हुई निरंतरता बनी हुई है। हम यहाँ पर बूथ में जहाँ मौजूद है अंदर मतदान अधिकारी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, वहाँ पे अलाउ नहीं किया उन्होंने कैमरा, लेकिन हम परिसर के बाहर खड़े हैं जहाँ से मैच कुछ ही दूरी पर गोविंद गंगा और कार्नेगी स्कूल का बोलिंग बूथ बनाया गया है जिसमें यहाँ पर अभी तक जारी है। ये मतदाता सूचियों का मिलान हो रहा है, यहाँ पर पार्टी के अलग अलग काउंटर लगाए गए हैं ताकि मतदाता जो भी है वो कोई परेशान ना हो। यहाँ पर बूथों बूथ पर्ची का जो मिलान किया जा रहा है, वोटिंग पर्ची का, उसको मिलान कर रहे हैं। यहाँ देखिए आम दिनों की अपेक्षा ये चौराहा खाली रहता है, जबकि आम दिनों में यहाँ बहुत भीड़ रहती है वोटिंग को लेकर। उत्साह इसी से देखा जाता है कि यहाँ के आधे से ज्यादा शॉप बंद हैं, लोग आए नहीं हैं वोटिंग को लेकर। यहाँ पर सबसे अच्छा उत्साह दमोना का चौराहा कहा जाता है। यहाँ पर पूरे समय सुबह से लेकर रात तक यहाँ भीड़ रहती है, यातायात का बहुत जबरदस्त दबाव रहता है, लेकिन आज वोटिंग को लेकर ये देखिए किस तरह से खाली है, ये अभी से यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। तो देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ पर वोटिंग चल रही है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी यहाँ पर लगातार अपने गश्त बनाए हुए हैं और बाकी बूथों पर भी सुरक्षा अच्छी रखी गई और आगे भी अभी शाम तक यहाँ वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा होने वाला। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती भीड़ से ये जो पता चल रहा है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ने वाला है, जैसा कि अभी तक मनाया, हो सकता है कि दोपहर में धूप के कारण थोड़ा कम हो, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ता जा रहा है। और यहाँ कई जगह असुविधाओं की भी सूचना मिली है कि कहीं पानी या धूप से बचने के लिए टेंट नहीं लगाए गए, तो वहाँ लोग कुछ लोग चक्कर खा के गिरे हैं। एक बूथ में एक सुबह सुबह आज बच्ची चक्कर खा के गिर गई है, वहाँ उसको फिर प्राथमिक उपचार तत्काल दिया गया वहीं से, लेकिन कई जगह असुविधाओं की बात भी कही जा रही है।